नैनीताल में ठंड लगने से एक अधेड़ की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 50 वर्षीय अधेड़ नैनीताल में ठेला लगाकर अपना गुजर बसर करता था। देर रात उसका शव ठेले के पास मिला, जिसके बाद वहां से गुजर रहे लोगों ने शव को देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रात करीब 7:30 बजे ये रिक्शा स्टैंड के पीछे जो रेडियो दयाल है उसके पीछे दो लोग ये सो रहे थे। एक का नाम रमेश था और एक ये राजू, और जो मृतक है उसका नाम राजू है और जो उसके साथ सो रखा था वो बोरा था कोई। तो उसी ने बताया कि इसकी ठंड के कारण मृत्यु हो गई है। तो फिर उसी समय तुरंत इसको बीडी पांडे हॉस्पिटल ले आया गया था, तो डॉक्टर द्वारा भी उसको मृतक बताया गया है। तो अभी मैं यहाँ पे आई हूँ, तो अभी इसका पंचनामा की कार्रवाई हो रही है। इन दिनों उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में कड़ाकेदार ठंड पड़ रही है और नैनीताल में पारा 3 डिग्री गिर गया है, जिसके चलते अधेड़ की ठंड लगने से मौत हो गई। फिलहाल पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य में तापमान और गिरने के आसार हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए नैनीताल से भूपेंद्र रावत की रिपोर्ट।